मैंगो सीजन आजकल पीक पर है, मैंगो बहुत ही भर भर के मार्केट में आ रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे मैंगो पिस्ता कुल्फी एकदम मार्केट स्टाइल, वो भी बिना किसी ज्यादा सामान के। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ दीपाली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक्सप्लोर विद सनाली। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट्स करके बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट से न्यू वीडियोस लाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। सो आइए दोस्तों, शुशुटाक से इस रेसिपी को देख लेते हैं। मैंगो पिस्ता कुल्फी बनाने के लिए हमें लेने हैं ये दो आम, इसमें 6 से 7 कुल्फी आराम से बन जाएगी। आम को हमें पहले छील लेना है। मैंने ये सफ़ेदा आम लिए हैं, इनके अंदर गूदा भी अच्छा होता है, चाहे तो आप किसी भी तरह का आम ले सकते हैं जो मीठा हो। रफली इनको चॉप करके सभी आम को हम मिक्सिंग जार में डाल लेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी, लगभग 100 से 150 ग्राम। इसी के साथ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। दोस्तों, नमक डालने से ये जो कुल्फ़ी है ये नमकीन नहीं होगी, ये आइसक्रीम की मिठास को और एनहेंस करेगा। 1 ग्लास दूध डाल के इसको 6 से 7 सेकंड के लिए बढ़िया सा इसको पल्प तैयार कर लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसी तरह से ये देखिए, हमें इसका पल्प तैयार करना है। आप चाहे तो इस स्टेज पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो घर में मलाई रखी होती है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं, इससे जो है टेक्सचर और क्रीमी बन जाएगा। मैं आज आपको बिना ही मिल्क पाउडर और बिना ही किसी क्रीम के कुल्फ़ी बनाना बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो एल्युमिनियम की जो कुल्फ़ी ग्लास होता है ना, उसमें ये मिक्सचर डाल दिया है। एक में आपको ये घर के जो स्टील के ग्लास होते हैं ना, जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, इसमें भी आपको कुल्फ़ी जमाना बता रही हूँ। इन ग्लासों में भी कुल्फ़ी एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल ही बनेगी। दोस्तों, चाहे एल्युमिनियम का ग्लास हो या फिर स्टील का हो या फिर प्लास्टिक का कुल्फी ग्लास हो, किसी भी तरह का ग्लास हो, कुल्फी हमारी बहुत ही अच्छी जमेगी। ये देखिए, सभी ग्लासेस को मैंने मैंगो मिक्सचर डाल के फिल कर दिया है। अब जो घर में एल्युमिनियम फॉइल होती है ना, उसको हम चौकोर कट कर लेंगे और सारे ही ग्लासेस में से इस तरह से इसको लगा देंगे। और इसी के साथ हम किसी नाइफ़ या कटर से हल्का सा सेंटर में स्लिट करेंगे और आइसक्रीम की स्टिक को इंसर्ट कर देंगे। दोस्तों, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें ये कट लगाना है, ताकि जो ये एल्युमिनियम का कवर है वो और भी कहीं से ना फटे और किसी भी तरह की हवा पास इसमें ना हो। इस प्रोसेस को करने से जो आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और कुल्फ़ी एकदम मार्केट स्टाइल जमेगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारी कुल्फ़ी कैसे जमी है। सबसे पहले हम ये एल्युमिनियम का कवर उतारेंगे। इसके बाद हम ग्लास को हल्के से पानी में डुबो के थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे, जैसे बर्फ़ निकालते टाइम थोड़ा सा पानी डालते हैं ना उसमें, ताकि बहुत इजीली निकल जाए, बस इसी तरह से। और ये देखिए, दोनों हाथों से हम इस तरह से ग्लास को मलेंगे और ये देखिए, निकली है ना एकदम मार्केट स्टाइल, एकदम ठेले वाले भैया की तरह ये मैंगो कुल्फ़ी। अभी इसको पिस्ता लगा के हम मैंगो पिस्ता कुल्फ़ी बना देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से जो प्लास्टिक की कुल्फ़ी ग्लास था ना, उसको भी सेम मेथड से हम इस तरह से रब करते हुए, ये देखिए बहुत ही इजीली निकल जाती है ये, है ना दोस्तों। इसी तरह से सारी कुल्फ़ी हम निकाल लेंगे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से एल्युमिनियम की कुल्फ़ी ग्लास को लेके आए, आप घर में ही जो ग्लास रखे होते हैं उसमें बहुत ही इजीली कुल्फ़ी बना सकते हैं। इवन उसमें बहुत ही अच्छी एकदम ज़्यादा ठेले वाले भैया की तरह कुल्फ़ी बनती है। ये देखिए दोस्तों, इसका टेक्सचर, अगर इसमें मिल्क पाउडर या फिर मलाई डाली होती तो इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी होता। तो ऊपर से हम पिस्ते की गार्निश लगा के इसको सजा देंगे। आप चाहे तो मैंगो का जो पल्प तैयार किया था ना, उसमें भी पिस्ते की कतरन डाल सकते थे और उसको फिल कर सकते थे, ताकि हर बाइट में पिस्ते का स्वाद आए। इस तरह से मैंने इसे ऊपर से ही गार्निश किया है। और ये देखिए दोस्तों, शुशुटाक से मैंगो पिस्ता कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। हमें ना ही इसे पकाना पड़ा और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगा, घर के ही सामान से बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर आप मेरी वीडियोज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।